10,000 रुपये डाउन पेमेंट देना है और परचेज करना है आपको एक्टिवा 110, 30,000 है, 30,000 डाउन पेमेंट देना है और एक्टिवा 110 आपको लेके जानी है, तो एक साल का आपका EMI बनेगा 6398, 36 महीने के लिए बनेगा 2567 रुपये का, 2567, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट देना है और एक साल की आपको EMI करवानी है एक्टिवा 110 में, तो आपका एक साल का EMI बनेगा 2। सो आज आ चुका है एक और EMI वाला वीडियो आप लोगों के लिए और आज का अपना EMI वीडियो रहने वाला है होंडा एक्टिवा 110 के बारे में। आप लोगों की चाहिए थी एक्टिवा 110 का EMI डिटेल, आज अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ये रहा EMI डिटेल प्लस सेम वीडियो एक अभी मैं शूट करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद एक्टिवा 125 का भी, तो एक्टिवा 125 और एक्टिवा 110 इन दोनों का भी EMI वाला डिटेल अपनी कवर अप इन दोनों ही वीडियो के साथ हो जाने वाली है। तो आज का वीडियो ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप लोग भी इस फेस्टिव सीजन पर एक्टिवा 110 लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई जब कुछ समझ में नहीं आए ना तो एक्टिवा ले लो, ऐसा कस्टमर का भी कहना रहता है और ऐसा मेरा भी कहना रहता है। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है और गाड़ी चाहिए बिना नो टेंशन वाला, कोई सरदर्दी नहीं हो, आज इसमें ये हो गया, आज इसमें ये वार्निंग लाइट आ गई, आज इसमें ये सेंसर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं लेना भाई, सबसे रिलायबल एक्टिवा उठा लो। एक्टिवा का कस्टमर बेस भी यही रहता है, बस आना है, वाइट एक्टिवा चाहिए, ब्लैक एक्टिवा चाहिए, मैट ब्लैक एक्टिवा चाहिए, लो और बैक टू होम। सो यही वाला अपना आज का एक डिटेल्ड आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव इस अकॉर्डिंग भी रहने वाली है। अगर एक्टिवा आप लोग परचेज करना चाह रहे हो EMI पे लोन पे, तो DP ऑप्शन अपन लोग जो कवर अप करने वाले हैं ना वो भाई सबसे मिनिमम 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ आप DP दे देते हो और क्या कुछ आपका EMI रहता है वो अपन लोग कवर अप करेंगे ही। तो DP ऑप्शन अपने रहने वाले हैं 10,000, 30,000 और 50,000, 10K, 30K और 50K ये अपना EMI ऑप्शन आज के वीडियो में रहने वाला है। जयपुर से आप ये वीडियो देख रहे हो, कह सकते हैं जयपुर से अगर आप लोगों को बाइक कोई भी स्कूटी लेनी है होंडा की, तो नीचे नंबर आ रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी हेल्प आप लोगों की उस कॉल करने के बाद भी हो जाएगी, अच्छा डील मिल जाएगा, डिलीवरी ऑन टाइम हो जाएगी, सभी कलर रेडीली अवेलेबल है, सभी वेरिएंट रेडीली अवेलेबल है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब स्टार्ट कर लेते हैं भैया अपना वीडियो, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों को सेटअप रहने वाला है। पहले मैं वेरियंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, तो एक्टिव 110 ना टोटल 3 वेरियंट्स में अवेलेबल रहता है अभी के लिए, ये 4 कलर ऑप्शन या फिर 4 स्कूटीज़ अवेलेबल हैं, ये सभी बेस वेरियंट है। स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है ये, अभी अपने अपने पास डिस्प्ले में अवेलेबल है, एच स्मार्ट भी अवेलेबल है बट सिर्फ फोटो में है, एच स्मार्ट वो रहा जहाँ पे फिजिकल की नहीं मिलती, रिमोट की आ जाती है, अलॉय आ जाता है ड्रम के साथ ही, और अपना जो किक है सॉरी वो चला जाता है, किक नहीं मिलता एच स्मार्ट में और चाबी भी नहीं मिलती एच स्मार्ट में। तो ये वाले 2 वेरियंट, जो वेरियंट आज अपन लोग जिसके अकॉर्डिंग EMI मैंने बनवाया है वो रहने वाला है अपना डीलक्स वाला वेरिएंट, क्योंकि वही ज़्यादा सेल भी होता है जिसमें कि LED हेडलैम्प आ जाता है। तो डिफरेंस सिर्फ यही रहता है, एक बेस और मिड वेरिएंट में सिर्फ एक डिफरेंस रहता है, वो है हेडलैम्प का, हेडलैम्प का शेप सेम रहता है बट यहाँ पे मिलता है येलो बल्ब बेस वेरिएंट में, और जो मिड वेरिएंट आ जाता है डीलक्स वाला वहाँ पे आ जाता है वाइड बल्ब LED के साथ। तो ये वाला एक डिफरेंस है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट में, तो ये जो बेस वेरिएंट है ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी कॉस्ट करता है लगभग 93,000 बेस हो जाता है। फिर आ जाता है आपका मिड वाला डीलक्स वाला, वो रहेगा 95,300 के अराउंड, 95,300 रुपये के अराउंड आपका रहेगा मिड एक्टिवा 110, और एक्टिवा 110 का ये जो टॉप है ये हो जाता है लगभग 98,500 के अराउंड, 98,500 रुपये विदाउट एसेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी की ये प्राइसिंग थी ऑन रोड जयपुर। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करते हो तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को बता देता हूँ, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट अगर रेंट पे रहते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, एक फ़ोटो, UPI ID, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नीडेड रहेगा। अब DP ऑप्शन पहला रहेगा 10,000 तो DP ऑप्शन है, और टाइम पीरियड रहेगा 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ और 36 मंथ, 12 महीने, 18 महीने, 24, 30 और 36, ये आपका जो अपना टाइम पीरियड रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले DP ऑप्शन के साथ, जो कि अपना 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देना है और परचेज करना है आपको एक्टिवा 110 मिड वेरियंट सॉरी डीलक्स वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें। तो एक साल की आपका 12 मंथ्स की EMI बनेगी 8,293 की, 8,293 रुपये की आपकी बनेगी 12 मंथ्स के लिए EMI। फिर आ जाएगा अपना सेकंड है 18 मंथ्स के लिए आपकी EMI बनेगी 5,811, 5,811 रुपये की बनेगी 18 महीनों के लिए, 24 महीने के लिए बनेगी 4,577, 4,577 रुपये के लिए बनेगी 2 साल की, 30 मंथ्स 30 महीने के लिए बनेगी 3,841 रुपये, 3,841, 30 मंथ्स के लिए, 36 मंथ के लिए बनेगा 3,356, 3,356 रुपये 36 महीने के लिए। तो ये अपना पहला DP ऑप्शन और टाइम पीरियड डन, भाई ने लाइट भी ऑन कर दिए, तो अब और अच्छे से आप लोगों को ना ये चीज़ें सारी स्कूटी अपने विजिबल
रहेंगे। अब आ जाता है डीपी नंबर टू जो कि है 30,000 है, 30,000 डाउन पेमेंट देना है और एक्टिवा 110 आपको लेके जानी है। तो एक साल का आपका ईएमआई बनेगा 6,398,6,658 लगभग 6,400 के अराउंड एक साल का बनेगा। 18 मंथ्स का बनेगा 4,473,4,473 रुपये का बनेगा आपका 18 महीनों के लिए। 24 मंथ्स के लिए बनेगा 3,515,3,515 रुपये 24 मंथ्स। 30 मंथ्स के लिए बनेगा 2,944, 30 महीने के लिए बनेगा 2,944 रुपये, 36 महीने के लिए बनेगा 2,567 रुपये का 2,567। ये अपना सेकेंड डी पी ऑप्शन 30,000 के अकॉर्डिंग भी डन है। लास्ट और फाइनल डी पी ऑप्शन पर आ जाते हैं जो कि है जी 50,000, 50,000 रुपये देने हैं, लगभग आधा अमाउंट आप डी पी में पे कर दोगे, है ना। 95 था ऑन रोड कीमत, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट देना है और एक साल की आपको ईएमआई करवानी है एक्टिवा 110 में। तो आपका एक साल का ईएमआई बनेगा 12 मंथ्स का 4,498 लगभग 4,500 रुपये 4,500 फॉर 12 मंथ्स। 18 मंथ्स के लिए बनेगा 3,131 3,131 रुपये का बनेगा आपका 18 मंथ्स का। 24 मंथ्स का रहेगा 2,450 2,450। फिर आ जाएगा 30 मंथ्स के लिए बनेगा 2,043 2,043 रुपये और 36 महीने के लिए अपना बनेगा 50,000 डाउन पेमेंट देना है। 36 मंथ का आपका ईएमआई करवाना है तो आपका लो ईएमआई यहां पे रहेगा 1,774 1,774 रुपये का आपका ये रहेगा। लास्ट और फाइनल 36 मंथ के लिए डन 50,000 के अकॉर्डिंग। तो ये भैया सारी डिटेल डन, ईएमआई वाला पार्ट भी आपको मिल चुका है, डॉक्यूमेंट भी मिल चुके हैं। वेरिएंट्स अभी के लिए ये सॉरी है, यहाँ पे अपने पास बेस वेरिएंट ही डिस्प्ले में अवेलेबल है क्योंकि भाई अभी ना थोड़ा फेस्टिव सीजन है, एक के बाद एक एक्टिवा 110 रेडी हो रही है। एक कलर और था, अभी वाइट भी था, वाइट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। सो वेरिएंट्स तो ये रहे, कलर ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं टोटल 6। ब्रोशर वहाँ है, ब्रोशर में भी दिखा देंगे। कार्बन ब्लू, मरून, मुझे पर्सनली ये शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ग्लॉसी ब्लैक, मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रे। तो मैट में सिर्फ आपको यही एक ऑप्शन ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरिएंट्स टोटल 3 ही हैं और तीनों ही वेरिएंट में ना ये सारे कलर भी आपके अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो दो कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो है एक तो वाइट और ये डिसेंट ब्लू मेटेलिक वाला। ये वाले सारी चीज़ें हैं, ये स्पेसिफिकेशंस का आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 109cc का, 109.51cc का यहाँ पे इंजन है। टेल लुक कुछ इस टाइप से है। इन सभी स्कूटीज पर अभी के लिए एसेसरीज इंस्टॉल्ड नहीं है। अब आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया कमेंट में ज़रूर से बता देना है। टोटल 6 कलर सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इन सब में से कौन सा कलर आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर से बता देनी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगला ईएमआई आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर से बता देना है। ये वाला पार्ट भी 125 का तो मैं भी बनाने वाला ही हूँ। उसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 8 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।